आगे बढ़ते हैं। नागौर के कुचामन से बड़ी खबर है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर 10 करोड़ की चोरी का मामला। कुचामन पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुचामन नवोदय विद्यालय के सामने झाड़ियों में लॉकर मिला। चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों ने लॉकर को तोड़ने की हालांकि काफी कोशिश अपने तरह से की। मौके पर लॉकर के साथ पेचकस और लोहे के डंडे भी बरामद हुए। कुचामन डीएसपी संजीव कटेवा मैजाबता मौके पर पहुंचे और जोधपुर की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। लॉकर को कुचामन थाने में लाया गया तो वहीं गाड़ी में 2 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप्स, बैग, कुछ नकदी, 3 घड़ियां और कुछ डायमंड सहित अन्य सामान बरामद हुआ। तो जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर 10 करोड़ की चोरी का यह मामला है। देखिए, एक बड़ा मामला अपने आप में संगीन मामला, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस की जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जिस भी गिरोह की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया ये तो साफ है कि उसमें डर है। तो यकीनन कोशिश जिस लॉकर को तोड़ने की उन्होंने की, लेकिन कोशिश करने के बावजूद उस लॉकर को तोड़ नहीं पाए और लॉकर को तोड़कर फिर छोड़कर वहीं पर फरार हो गए।